कोरोना काल से पहले भारत चीन के बीच जोरदार व्यापार चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड 19 वायरस की एंट्री चीन में हुई, उसके बाद तो पूरी दुनिया ने चीन से दूरी बनाना ही उचित समझा। अब कोरोना काल खत्म होता दिख रहा है तो भारत चीन के बीच व्यापार पहले की तरह वापस पटरी पर आने की उम्मीद है। वहीं कुछ चीजों के इम्पोर्ट कारोबार में गिरावट देखी जा रही है। वहीं भारत में चीन से आईटी, मेडिकल और वैज्ञानिक उत्पादों का ज्यादा इम्पोर्ट हुआ करता है। आपको बता दें कि देश के कुल आयात में चीनी सामानों का हिस्सेदारी 0.90% घट गई है। साथ ही 2020-21 में उसका हिस्सा 16.5% था, जो 2021-22 में घटकर 15.4% रह गया है। चीन से मोबाइल फोन का आयात 2021-22 में 55% घटकर $62.6 करोड़ रह गया है। उसके पहले के साल में ये $1.4 अरब था। वहीं बता दें, चीन से भारत में जो सामान ज्यादा आता है उसमें दूर संचार और ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। भारत से चीन को निर्यात मामूली बढ़कर $21.25 अरब पहुंच गया है। एक साल पहले ये $21.18 अरब था, जबकि आयात 2020-21 में बता दें $65 अरब से बढ़कर ये 2021-22 में $94.16 अरब पर पहुंच गया है। भारत का चीन को निर्यात 2021-22 में $21.2 अरब था। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।